अब बेटी और मातारी दोनों एक साथ रील्स बनाती है। करती है, शर्म नहीं लगता है? नहीं लगता। लाज नहीं लगता? नहीं। नया नव हर कोनिया ओइनी अब ते जोगिनिया भई लगे ठुमका लगाने और हमको भी जबरदस्ती कहे कि नाचो नाचो तो थोड़ा सा हम भी नाचे थे। दिल्ली वाली तू ही लाल किला हो का लगती हैं? मम्मी है। सच में मम्मी है जी। क्या करती हैं आप लोग? रील्स बनाते हैं। रील्स दोनों आदमी बनाते हैं जी। उनको डांस करना आता नहीं है। हाँ। लेकिन हाल फिलहाल में भी दशहरा मेला बहुत पहले से ही गाना गाते थे, शादी के पहले से और शादी के बाद के कुछ समय तक। अच्छा, ये बताइए कि आपके पति मना नहीं किए कि हाँ आप काहे गाना गा रही हैं, काहे डांस कर रही हैं? खेसारी जी का डांस बहुत अच्छा लगता है, उनका ठुमका। हाँ। और पवन सिंह का गाना, जी का पवन सिंह का मतलब गाना बहुत अच्छा लगता है। अरे लाल यादव को गुरु मानती है और ये जो है उनकी चेलिन हो गई है जो, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। आपकी ये बेटी है जी? तो आप लोग दोनों आदमी एक साथ रील्स बनाते हैं जी? बेटी बनाती है अधिकतर। तो आप भी बनाती हैं? हम कभी कभी बनाते हैं। तो ये देख लीजिएगा, बेटी और मातारी दोनों एक साथ रील्स बनाती है, मतलब बिहार की ये पहली ऐसा लड़की है और बेटी और मातारी है जो कि दोनों आदमी एक साथ रील्स बनाती है। आपके क्या लगती है? मम्मी है। सच में मम्मी है जी। क्या करती है आप लोग? रील्स बनाते हैं। रील्स दोनों आदमी बनाते हैं? नहीं, मम्मी कभी कभी बना देती है। हाँ। लेकिन हम हमेशा बनाते हैं। अच्छा, कितना दिन से रील्स बनाती हैं आप लोग? लगभग 6 महीने से। 6 महीना से जी। इसके पहले क्या करते थे आप लोग? आप क्या करती थी? पढ़ाई करते थे। कौन से क्लास में? 9th class में। 9th class में। अभी कौन से क्लास में हैं आप? अभी भी 9th class। 9th class में हैं जी। और पढ़ाई के साथ साथ में रील्स बना रही हैं आप जी। अच्छा, ये बताइए आप कि आपकी बेटी पढ़ाई भी कर रही है और रील्स बना रही है, तो ये शौक कहाँ से है रील्स बनाने का? जी, जैसे कि मोबाइल तो है, बच्चा सबका एक बीमारी बन गया है। अच्छा। नहीं तो मोबाइल कभी कभी देखती थी तो उसमें इसको दिखता था, तो भी बचपन से इसको भी डांस करने का बहुत शौक था। अच्छा अच्छा डांस करती थी, बहुत अच्छा डांस करती थी। तो एक इसके भी मन में आया कि मम्मी हमको भी रील्स बनाना है, क्या वीडियो हम अपलोड कर दे एक? तो हम कहे कि ठीक है। पहले तो हम कहे कि नहीं, वो सब मत करो। तो फिर बोले कि एक करके देखते हैं। एक वीडियो देख अपलोड की तो इतना ना वायरल हुआ, इतना ना वायरल हुआ। तो फिर हम कहे कि ठीक है। ये बताइए कि आपकी बेटी डांस करती है, अभी के जमाना में सोशल मीडिया या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे असली असली वीडियो भी हरकत होता है, वीडियो बनाते भी है, लेकिन आपको इस प्रकार से कोई भी मतलब शर्म नहीं लगा कि मेरे बेटी जो है 9th class में पढ़ रही है, इस प्रकार से डांस करी, लोग क्या कहेगा? मना नहीं किया आपने? देखिए, हम कहीं कैसे मना करेंगे। वैसे भी देखते हैं कि शहरों में देखा जाता है तो अच्छे अच्छे स्कूल में डांस सिखाया जाता है। अच्छा। डांस एकेडमी खोला गया है, डांस सिखाया जाता है। तो उनके माता पिता को सीख, जब बच्चे को फीस देकर सिखाते हैं तो उनको शर्म नहीं लगता है। और मेरे के बेटी के अंदर वैसा टैलेंट अपने आप आया तो हमको क्यों शर्म लगेगा? हमको भी शर्म नहीं लगता है। नहीं लगता है? अच्छा, आपको डांस करती है शर्म नहीं लगता है? नहीं लगता। लाज नहीं लगता है? नहीं। तो लोग क्या कहते हैं आपके आसपास के गांव के लोग क्या कहते हैं? ऐसे तो पहले सब कोई कुछ ना कुछ बोलते ही थे। हाँ। ऐसे अनसर कुछ बोलते थे, लेकिन अब सब जाने लगे ना कि अच्छा काम है तो नहीं कुछ बोल रहे कोई। अच्छा, ये डांस करना अच्छा काम है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अपने बेटी को शादी कीजिएगा तो कौन ऐसे लड़के से शादी कीजिएगा? शादी का तो बहुत समय है, इसके नसीब में जैसा आएगा वैसे से हो जाएगा। ये मान के चलिए कि रील्स बनाती है, डांस करती है, वायरल हो गई है, कहीं ना कहीं आगे चलो कुछ महीना बाद स्टार बन जाएगी, तो फिर आप भी सोचेगा कि कोई ना कोई हमारे डांसर हो या गायकर हो या कोई स्टार, उससे शादी करेंगे, ऐसा कुछ आपके मन में? देखिए, जो जैसा रहता है वैसे ही खोजता है। नहीं, अगर कोई गरीब रहेगा तो गरीब ही खोजेगा, धनी रहेगा तो धनी खोजेगा, तो ये जैसे है वैसे ही मिलेगा इसको भी। अच्छा, कौन से गाने पर अपने डांस की थी जो रातों रात वायरल हो गया था? किन के गाने पे, मतलब कौन से गाने पे डांस की थी आप रील्स पे जो कि रातों रात वायरल हो गया था? 3 कटहल हुआ। 3 कटहल हुआ किनका गाना है ये? पवन सिंह का। पवन सिंह का। अच्छा, ये बताइए कि भोजपुरी में स्टार मैंने सबसे आपका फेवरेट कौन ऐसे स्टार है? खेसारी जी। खेसारी लाल यादव है जी। ये देख लीजिएगा, खेसारी लाल यादव का सबसे बड़ा जबरा फैन ये है जो कि खेसारी लाल यादव को अपना आइडियल मानती है, लेकिन
पवन सिंह के गाने पे ये जो कि रातों रात वायरल हुई हैं, तो पवन सिंह गाने पे आप वायरल हुई हैं, तो फिर खेसारी को अपने आइडियल कैसे मान ली? खेसारी जी का डांस बहुत अच्छा लगता है, उनका ठुमका, और पवन सिंह का गाना जी का, पवन सिंह का मतलब गाना बहुत अच्छा लगता है। मैं खेसारी जी का गाना ही अधिकतर सुनती थी और उन्हीं से गाना सीखी, डांस सीखी है। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं जो है खेसारी लाल यादव की डांस देखकर ये भी डांस कर रही है। जी जी जी, आज से नहीं, मतलब कि शुरू से ही जब से डांस करना सीखी है तब से एक गुरु की तरह नहीं होता है, उनको गुरु बनाकर ही डांस सीखी है। अच्छा जी, गुरु बनाकर ही, खेसारी जी का गुरु अपना बनाकर ही डांस सीखी है। खेसारी लाल यादव को गुरु मानती है और ये जो है उनके चेलिन हो गई है, जो कि बताया जाए तो उनका गुरु मानकर ये डांस करती है और उन्हीं के मार्ग पर, उन्हीं के रास्ते पे चलकर जो है रातों रात वायरल हो गई। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गीतांजलि कुमारी। गीतांजलि कुमारी है। और आपके नाम? निभा निधि है। निभा निधि है। ये कि आपके मन में कहाँ से आया कि हम भी रील्स बनाए, हम भी कोई गाना गाए? नहीं, हम बहुत पहले से ही गाना गाते थे, शादी के पहले से और शादी के बाद के कुछ समय तक। अच्छा, ये बताइए कि आपके पति मना नहीं किए कि हाँ आप काहे गाना गा रही है, काहे डांस कर रही है? नहीं, उनको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, डांस करना आपके पति को अच्छा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है डांस करना। अच्छा, उनके सामने कभी डांस किए हैं कि नहीं? कई बार किए हैं उनके सामने डांस। उनके साथ में? साथ में भी किए हैं। अच्छा, उनके अपने पति के साथ में भी अपने डांस? जी, उनको डांस करना आता नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में दशहरा मेला गए थे घूमने और वहीं पर लगे ठुमका लगाने और हमको भी जबरदस्ती कहे कि नाचो नाचो, तो थोड़ा सा हम भी नाचे थे। वाह, आपके पति आपको जबरदस्ती से डांस कराते थे और भी करा भी रहे हैं, नहीं? जी। चलिए, मतलब कि हंसी मजाक में। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि प्रेशर दे, प्रेशर वाला डांस है, जबरदस्ती नहीं। नहीं, चलिए। हालांकि आप लोगों ने इनका डांस देखे हैं और आप लोग अपना राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, जो गीतांजलि कुमारी है जिस प्रकार से डांस करती है इनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या ये अच्छी डांस करती है या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।